ओम शांति। आज की तारीख है 20/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया और ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाजी करके ग्लानी की बातें सुनना माना बाप का ना फरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनकर ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख। दुश्मन को भी मित्र बनाना है, अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और ना ही सुनानी है। वरदान है, संगम युग के समय का महत्व जान। संगम युग के महत्व को जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, संगम युग का एक सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। हम मनुष्य आत्माओं के संगम की एक सेकंड, बाबा कहते हैं युग से और एक वर्ष से भी, माना इस युग में एक वर्ष से भी वो ज्यादा है। इस समय एक सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी भी माया आ नहीं सकती। दूर से ही भाग जाएगी तो समय को बचाना ये तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जी स्लोगन है। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।